बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ ख़ानदान पर जुमे हमेशा से भारी पड़ते रहे हैं। आज का जुमा ये पीडीएम की पूरी क़यादत, मुस्लिम लीग नून और इस हुकूमत के लिए, इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है और ये जुमा इमरान ख़ान के लिए इंतहाई ज़्यादा मुबारक साबित हुआ है। इमरान ख़ान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को रिहा किया गया था। गो के रिहाई एक रात की थी, लेकिन उसकी बुनियाद पर इमरान खान को आज बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। कल समाअत की थी सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच ने, उमर अता बंदयाल, मोहम्मद अली मजहर और अतर मिनल्ला, इनकी तरफ से जो कुछ कहा गया था उसके मुताबिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल कादर ट्रस्ट केस की समाअत होनी थी। दो जज साहिबान थे, समन रिफत इम्तियाज़, मियां गोल हसन औरंगज़ेब, ये एक जज का नाम है, दो जजों का नाम नहीं है। इनकी अदालत में समाअत हुई तो इनकी तरफ से ये हुक्म जारी किया गया जो पीडीएम के लिए बड़ा भारी साबित हुआ। जैसा कि जुमा इनके लिए हमेशा से भारी साबित होता है, आज का फैसला भी जिसमें कहा गया कि इमरान खान को 17 मई तक बुध तक किसी भी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए और अल कादर ट्रस्ट में इमरान खान की दो हफ्ते की ज़मानत मंजूर की गई है। इसके साथ साथ अदालत की तरफ से कहा गया कि इमरान खान को इस्लामाबाद के इलाके से गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, गोया इमरान खान अब बनीगाला चले जाएंगे। बात हम कर रहे हैं पीडीएम की, मुस्लिम लीग नून की और इमरान खान के सारे मुखालफिन की, जिनके साथ आज कैसी हो गई है। इनके चेहरे देख लें, लटके हुए हैं, इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, मुंह सूजे हुए हैं, ज़ुबानें अंगारे बरसा रही हैं, नौचनियाँ बाल अपने नौच रही हैं, गालियां निकाली जा रही हैं। इमरान खान को थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो ये लोग कितनी ज़्यादा अज़ियत में मुबतला हैं, कितने ज़्यादा दुख में मुबतला हैं, उसका अंदाज़ा काबीना के इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से की गई। उसमें जो कुछ कहा गया, एक तो अदारों के साथ इजहार यकजहती किया गया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की मजम्मत करते हुए कहा गया कि एक शट एंड एक ओपन एंड शट केस है जिसमें इमरान खान को रिलीफ दिया गया है। आपके सामने मैं रखता हूँ कि इजलास के दौरान किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के ओपन एंड शट केस में आइन कानून और मरवजा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक गिरफ्तारी पर गैर मामूली मुदाखलत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इसे मिसकंडक्ट करार देते हुए इस पर शदीद रद्देमल का इजहार करते हैं। ये इनकी तरफ से कहा गया इजलास के दौरान। इजलास में यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस की जानब से आपको देखकर खुशी हुई समेत दीगर कलमात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अदल की आला तरीन कुर्सी पर बैठे शख्स का एक करप्शन के मुकदमे में ये इजहार ख्याल अदल के माथे पर शर्मनाक धब्बा है। इजलास ने सदर आरफ अलवी के वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत की मजम्मत करते हुए कहा, यह खास सबूत है कि सदर आरफ अलवी रियासत के सरबराह से ज्यादा पार्टी के वर्कर नजर आ रहे हैं। तो नाजरीन से आप अंदाजा करें कि किस तरह ये लोग कर्ब में मुबतला है कि इमरान खान को आखिरकार रिलीफ मिला है तो क्यों मिला है। और फिर जो कुछ कोर कमांडर ऑफिस में किया गया, जो कुछ जीएचक्यू में किया गया, उस पर भी अभी तक बातें होने हैं, लोगों की तरफ से उसकी मजम्मत की जा रही है, लेकिन वो सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं कि आखिरकार जिस जगह पर चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहाँ पे लोग कैसे चले गए। और फिर ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी, उनको सैक कर दिया गया है और कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है। और नाज़रीन ये भी देखें कि इमरान खान की जमानत मंजूर हुई है तो कहां कहां पे खुशी का इजहार किया जा रहा है और कहां कहां पे तकलीफ़ और दुख का इजहार किया जा रहा है, वो आपके सामने आ गया। और इमरान खान अदालत में मौजूद थे तो वो रेंजर्स के अहलकार, पुलिस के अहलकार जो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आए हुए थे, वो इमरान खान के साथ सेल्फियाँ बनवा रहे थे। ये होती है लीडरशिप, यही पुलिस वाले, यही रेंजर्स वाले, जब इनको हुक्म दिया जाता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, किस तरीके से गिरफ्तार करना है, तो वो फिर हुक्म की तामील करते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ करना हो तो फिर वो इमरान जैसे लीडर के साथ सेल्फियां बनवाते हैं,
तस्वीरें बनवाते हैं पाकिस्तान में, जिस तरीके से आग लगी हुई थी, इमरान खान को रिहा किया गया, वो आग बिल्कुल बुझ गई, लेकिन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के अपने मुफादात के लिए मुल्क जले या आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो जाए, इनको इससे कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है। इमरान खान की जमानत हुई है तो इससे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ऐसे पड़ेगा, पाकिस्तान में बहुत से कारोबार बंद थे, नेट बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा बहाल हो जाएगा। तो आम आदमी के लिए इमरान खान की रिहाई में, इमरान खान की जमानत में यकीनी तौर पर रिलीफ है। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान एक खबर ये भी सामने आई कि इमरान खान को राहदारी जमानत मिल गई है। इमरान खान अब लाहौर आ सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस की तरफ से इमरान खान को रिलीफ दिया गया है। उसमें एक फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि इमरान खान पर जितने भी केसेस हैं उन सब में ज़मानत दी जाती है, और अगर कोई खुफिया केस है उसमें भी इमरान खान को ज़मानत दे दी गई है। ये देखकर ये हुकूमत मज़ीद तिलमिला गई है, बुखला गई है। इसकी तरफ से एक बार फिर काबीना का इजलास तलब किया गया है। पहले भी इजलास हुआ था इमरान खान के ख़िलाफ़ जहाँ समाज शुरू हुई थी उसमें भी जहर उगला गया था। अब के जो इजलास तलब किया गया है, कहा जा रहा है उसमें एमरजेंसी के हवाले से तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। ये इंतहाई अहमकाना तजवीज़ है और इससे पर फैसला भी इससे बड़ी हमाकत होगी। दूसरी तरफ कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो बड़ी हैरान कन हैं। इस खबर में कहा गया है कि डीजी नैब जनरल नज़ीर को सैक कर दिया गया है। इसमें कितनी सदाकत है इसका अंदाज़ा थोड़ी देर के बाद होगा। और ये हुकूमत किस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रही है, किस तरह से तकलीफ में मुब्तला है। हालांकि इनको खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि इंतखाबात जो 14 मई को होने थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस लिया गया था, नोटिस लिया जाना था, उससे दुनिया की नज़रें बिल्कुल हट चुकी हैं। नाज़रीन इसके साथ इजाज़त दीजिए, नई डेवलपमेंट होगी तो आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।